नोट कर लो, मध्य प्रदेश में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन एमपी। देखो वैसे तो क्या होता है यहां पर, आपको प्री के लिए तो हमेशा फैक्ट्स ही करने हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बना, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे, रोड डेंसिटी है ना, फिर किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा रोड्स हैं, सबसे कम रोड्स हैं, है कि नहीं, कौन से टाइप की सड़क ज्यादा है। जैसे आप समझते हो एक नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, ग्रामीण सड़कें होती है, तो कौन सी ज्यादा है, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, और छोटी मोटी बातें कि क्यों बनाते हैं सब, ग्रामीण सड़क क्यों बनाएंगे। तो मामूली से कॉमन सेंस की बात है, गांवों को जो है शहरों से या अलग अलग कस्बों से जोड़ने के लिए, है कि नहीं, क्लियर हो गया। देखो ट्रांसपोर्टेशन के, परिवहन के तीन मीडियम है, पहला आता है कौन सा, सड़क या रोड, दूसरा क्या हो गया, रेल, और तीसरा क्या हो गया, एरोप्लेन या हवाई जहाज, है ना। इन्हीं के तीनों के बारे में आज अपने को पढ़ना है, ठीक है कि नहीं, कि मध्य प्रदेश में रोड्स की क्या सिचुएशन है, रेल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, और एरोप्लेन के बारे में क्या, है कि नहीं। तो ये तो दोनों छोटे छोटे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से सड़क परिवहन में थोड़ा समय लगता है अपने को, है ना, रोड्स के बारे में। तो देखो मध्य प्रदेश में सबसे पहले कौन से आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, ठीक है कि नहीं। अब नेशनल हाईवे का मीनिंग क्या, तो सीधी बात है, जिनको केंद्र सरकार बनाएगी वो सब क्या कहलाएंगे, नेशनल हाईवे, ये ध्यान रखना। पर ध्यान रखना, नेशनल हाईवे के मेंटेनेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, मेंटेनेंस का काम स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है, कब, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेकर, वो खुद अपने खर्चे पर मेंटेन नहीं करती है। तो सीधी बात है, नेशनल हाईवे जो है किसके अंडर में आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। फिर आते हैं देखो राजकीय राजमार्ग, है कि नहीं। तो राजकीय राजमार्ग मतलब क्या, वो सारे रोड जिनको कौन बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स, अपने सारे शहरों को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है ना। इंदौर भोपाल बनाया, इंदौर भोपाल रोड की एक और विशेषता क्या बताओ, पता होना चाहिए आपको, एमपी का पहला एक्सप्रेस वे, ये ध्यान रखना, कौन सा रोड है वो, इंदौर भोपाल। तो ये क्या है, एक प्रकार से राजकीय राजमार्ग है कि नहीं, ये ध्यान रखना। तो इसको बनाने का काम और मेंटेनेंस का काम किसका है, एमपी गवर्नमेंट का, ठीक है ना, राजकीय राजमार्ग। और उसको बनाया क्यों जाता है, आपस में कनेक्टिविटी देने के लिए, हाँ, स्टेट हाईवे, है ना। फिर इसके बाद में अपन यदि और इसके आगे चले तो ग्रामीण सड़कें भी एक काम किए, ग्रामीण सड़कें जिनका मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा वेटेज है, या कहें पूरे इंडिया में, जैसे आप मध्य प्रदेश की बात करो तो मध्य प्रदेश में ज्यादा, सबसे ज्यादा सड़कें हैं कौन सी, ग्रामीण सड़कें, है कि नहीं, बहुत ज्यादा किसी भी राज्य में, इंडिया में तो सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें ही मोस्टली होती है कि नहीं। तो अपन इन तीनों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे और समझेंगे, और उसके बाद कुछ अदर पॉइंट्स है ना, ये सारे लेंगे। अब अदर पॉइंट्स में क्या, जैसे अभी आपको बताया एक्सप्रेस वे, अभी तो एमपी में एक ही है, जब इनकी डिटेल बढ़ेगी तो फिर अपन आगे बात करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो रोड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो अपने काम के, ठीक है। अब अच्छा बता सकते हो मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं, एनएच, एनएच मतलब नेशनल हाईवे, अप्रोक्सीमेट 46, छोटे बड़े सब मिलाकर। तो पहला पॉइंट यही नोट करो, लिखो, मध्य प्रदेश में लगभग 46 नेशनल हाईवे हैं, 46 क्या है, नेशनल हाईवे, छोटे बड़े सब मिलाकर। अब देखो मेजरली 10 भी गिनते हैं कोई, मेजरली 20 भी गिनता है कोई, मेजरली 22 भी, अलग अलग बुक्स में लिखा है, पर यह मेजर माइनर कुछ नहीं होता है, ओवरऑल ही गिना जाएगा इनको, है ना, छोटे बड़े मिलाकर। और ये कितना है, 8%, ये देश के टोटल नेशनल हाईवे का कितना है, 8%, ये भी नोट करो। पूरे इंडिया में 100% जो नेशनल हाईवे हैं, तो उसका 8% कहां पर है, एमपी में। अब अगला आता है
लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH3। आगरा बंबई रोड, वो आगरा बंबई को कनेक्टिविटी देता है, NH3। ये क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, लॉन्गेस्ट। तो जैसे AB रोड जिसको यहां बोला जाता है, अरे ठीक है ना, देखा होगा आपने AB, आगरा बॉम्बे। अब बॉम्बे मुंबई हो गया, पर रोड का नाम वही है, ठीक है ना। अब अपन आते हैं, अच्छा इसकी लेंथ और लिख लो, 715 किलोमीटर, 715, एग्जैक्टली लिख लो 717 है, 717 किलोमीटर। हाँ सिर्फ MP में, पूरा नहीं, MP में जो कितना भाग है इसका, 717 किलोमीटर। ये खुद इससे ज्यादा लंबा है एक्चुअल, तो अपन नहीं कुछ जानकारी इसमें, क्योंकि अपने को तो सिर्फ मध्य प्रदेश की बॉर्डर के अंदर अंदर घूमते रहना है, ज्यादा नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नेशनल हाईवे, 339B, NH 339B, ऑफ 9 किलोमीटर, ये कितना है 9 किलोमीटर का, बमीठा और खजुराहो, बमीठा, बमीठा से स्टार्ट होता है, खजुराहो में जाके खत्म हो जाता है, बमीठा। ये जो है बमीठा आपका आएगा खजुराहो के जस्ट पास में, वो टीकमगढ़, टीकमगढ़ में स्थित है, बमीठा कहाँ आता है, टीकमगढ़ में, ठीक है। यहां तक ये हुआ, दोनों याद रखना, NH3 लॉन्गेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, 339B। इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हारे मेनली आते हैं, है कि नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, कितना परसेंटेज लिख लिया अपना, 8%। अब इसकी टोटल लेंथ और लिख लो, लिखो मध्य प्रदेश में लगभग 8000 किलोमीटर है, लिखो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 8000 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेट 8016 है। अब देखो चेंज बहुत तेजी से हो रही है अभी, हाँ यदि अपन पुराना रिकॉर्ड देखें तो काफी तेजी से बन रहे हैं, अभी नेशनल हाईवे काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो 8016, यानी इतना कुल लंबा रोड से, कौन से नेशनल हाईवे ओनली, सब नहीं है ना, ऐसे ग्रामीण सड़क है तो 24,000 के लगभग है किलोमीटर में। आगे अपन चलते हैं, हाँ एक और रन, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, ये क्वेश्चन आजकल थोड़ा कम हो गया है आना, पर आता रहता है, राजमार्गों का चौराहा किसको बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, समझ गया उनका चौराहा, तो आप मीनिंग समझते हो, इंटरसेक्ट करे, कौन सी जगह है वो, ब्यावरा। देखो तुमने एक शब्द बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, राजगढ़ ब्यावरा, राजगढ़ ब्यावरा, अरे सही है ना। तो देखो राजगढ़ जो है जिला है, राजगढ़ किसका नाम है, डिस्ट्रिक्ट का। आप यदि यहां से इंदौर से ग्वालियर तरफ जाओगे, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, तो रास्ते में आएगा ये, है कि नहीं, सुजालपुर, सारंगपुर, उसके आगे। तो जिला जो है वो कौन सा है, राजगढ़। इसकी तहसील का नाम है ब्यावरा, पर यहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर और ट्रेड होता है, यानी इतना पावरफुल है कि जिले की टक्कर देता है ये ब्यावरा जगह के नाम पे। यहां पर फल, सब्जी, किराने का सामान और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का बहुत काम होता है ना, इंडस्ट्रियली काफी डेवलप है ये, जैसे मध्य प्रदेश के बाकी तहसील है। तो इसकी तहसील है, यहीं पर क्या आएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, तो लिख लो राजगढ़ ब्यावरा। मैंने आपको अलग से इसलिए बोला कि लोग इन दोनों शब्दों को एक साथ बोलते हैं, राजगढ़ ब्यावरा, राजगढ़ ब्यावरा, तो राजगढ़ नाम की कोई जगह नहीं है, जिला है राजगढ़, ब्यावरा है उसकी तहसील, पर ये काफी फेमस जगह है ना। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन सा है, राजगढ़ ब्यावरा। अब एक और लाइन लिख लो, है ना, पैराग्राफ चेंज करके, कि मध्य प्रदेश में
सड़कों के मामले में ओवरऑल, हाँ नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की सड़कों के मामले में 15वां स्थान है, 15वां, ठीक है ना। मतलब जैसे नंबर वन पे कौन है, केरल, फिर अलग अलग स्टेट होते होते कहां पर आ जाता है, अपना नंबर क्या 15। तो नेशनल हाईवेज में तो इतने ही पॉइंट है, इतने ही लिख लेना। अब आ जाओ राजकीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग दूसरे वाले पोर्शन पे है ना। अब राजकीय राजमार्ग तो हो गया कि जिनको कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके दो कारण है, एक तो अपने आपसी शहरों को जोड़ना प्लस दूसरे राज्यों के साथ कनेक्टिविटी देना। अरे जैसे इंदौर है तो अपने को अहमदाबाद से भी जोड़ना जरूरी है इसको, है कि नहीं, कानपुर से भी जोड़ना जरूरी है, दूसरे नागपुर वगैरह बड़ी बड़ी सिटीज जो आसपास के राज्यों में है ना। तो इसलिए क्या होता है, राजकीय राजमार्गों का निर्माण होता है। इनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, इनको बोला जाता है किसी भी राज्य की लाइफलाइन। जितने ज्यादा राजकीय राजमार्ग होंगे वो सिटी या कहें वो स्टेट उतनी ज्यादा डेवलप होती है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखो कि राजकीय राजमार्गों को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। अब ये कितना है लगभग सड़कों का, मध्य प्रदेश की सड़कों का 11.1% लिखो, यह राज्य की सड़कों का 11.1% है। और इनकी लंबाई कितनी, कुछ गेस कर सकते हैं आप, अप्रोक्सीमेट 11,000 किलोमीटर। अब वही एज यूजुअल दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे कौन सा है, लॉन्गेस्ट लिखो इसको, यहां पर आ जाएगा MPSH 19 मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे, उसका नंबर क्या है 19। ये लॉन्गेस्ट जो है मध्य प्रदेश का स्टेट हाईवे है। वैसे इसकी संभावना कम है, सिर्फ आपको सबसे ज्यादा जिस बात क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि लॉन्गेस्ट स्टेट हाईवे कौन सा है। ये आता है आपके मुरैना टू छिंदवाड़ा, मुरैना टू छिंदवाड़ा अप्रोक्सीमेट 743 किलोमीटर। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि कहां से कहां तक है, सर्च करके निकाला अपन ने, MPSH 19। और स्मॉलेस्ट स्टेट हाईवे कौन सा है, कुछ आइडिया, 39A, MPSH 39A, ये ध्यान रखना हाँ, ये स्मॉलेस्ट है। और लॉन्गेस्ट कौन सा था, 19। ये कहां है, झाबुआ टू रतलाम, नेबर डिस्ट्रिक्ट से दोनों, नेबर एक दूसरे की पड़ोसी, झाबुआ टू रतलाम। और तो इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसा है नहीं, ठीक है। अब आ जाओ ग्रामीण सड़कों पर लिखो, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण सड़कें ही विद्यमान है। सबसे ज्यादा कौन सी रोड्स हैं ग्रामीण, इनकी लंबाई है अप्रोक्सीमेट 28,000 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में गांव मालूम है कितने हैं, 55,000, 55,000 गांव हैं। हाँ वही मोटे तौर पे जैसे बोल रहे हैं 55,903, बिल्कुल राइट है। और यूपी में 1,00,000 से ऊपर, भारत में सबसे ज्यादा गांव, किसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कें अप्रोक्सीमेट 28,000 किलोमीटर, 28,623 किलोमीटर। अच्छा पिछले वाले का बताया मैंने 9, झाबुआ टू रतलाम का। अब इसी में सब हेडिंग डालो अदर फैक्ट्स ऑफ रोड्स इन एमपी, अदर फैक्ट्स। अब ये डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है पर थोड़ा देखो, नेशनल हाईवे को अच्छे से करके जाना एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने जैसा। स्टेट हाईवे के क्वेश्चन बहुत कम है इन दोनों के मिलाकर, पर इसका वेटेज क्यों बढ़ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें ही है, तो ये क्वेश्चन बनता, पर स्टेट हाईवे के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम तो नहीं दिया, पर अपने ओवरऑल जो है ये आती है। रोड डेंसिटी अलग अलग है, रोड डेंसिटी ओवरऑल सतना में सबसे ज्यादा, श्योपुर में सबसे कम, जैसा मैंने आपको हेडिंग लिखाया अपन वही कवर कर रहे हैं। लिखो सबसे अधिक सड़कें सतना जिले में हैं, सबसे अधिक सड़कें सतना जिले में स्थित हैं। और सबसे कम सड़कें कहां पर हैं, श्योपुर।
अब लिखो रोड डेंसिटी इन एमपी, मध्य प्रदेश में सड़क घनत्व अप्रोक्सीमेट 22 और एग्जैक्टली 22.14 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा लिखना 100 पर है, 22 के अप्रोक्सीमेट। थोड़ा क्या एग्जाम के पहले इसको अपग्रेड करके जरूर जाना हा। ये क्या है, ऐसा है जो वर्सेटाइल बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है कि नहीं। नेशनल हाईवे वगैरह बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, तो थोड़ा इसको क्विक रिविजन लगा के जाना सभी को टेली करके एग्जाम के लिए, क्योंकि डेटा बदला बहुत तेजी से है। क्या होता है हिस्ट्री वगैरह तो आपकी बदलेगी नहीं, है ना, एमपी की ज्योग्राफी ना, 1857 की क्रांति। पर जब भी एग्जाम देने जाओ ना तो ऐसे चैप्टर ये रोड्स वाले, इनका थोड़ा प्रेजेंट डेटा एक बार कंफर्म करके रखना। चलो 22.14 ये क्या हो गई रोड डेंसिटी। अब नेक्स्ट लिखो प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना, मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हुई थी, इसकी डेट महत्वपूर्ण है। 25 दिसंबर 2000, 25 ऑफ डिसंबर 2000 डेट याद रखना है पूरी तारीख के साथ। 25 दिसंबर को क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, तभी से स्टार्ट करी थी। वैसे इसका रीजन क्या है इसको शुरू करने का, कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होना है ना, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना। अब इसमें दो लाइनें देखो, मैं आपको बता देता हूं ये क्यों बनाई जाती है। ऐसी कोई भी जगह जहां पर 500 से ज्यादा पॉपुलेशन हो, 500 लोग रहते हो या उससे ज्यादा, या फिर वो ट्राइब का एरिया हो, यदि वो ट्राइब का एरिया है पहली कंडीशन, या फिर कि बाकी लोग रहते हैं ट्राइब के लोग ना हो पर उनकी जनसंख्या कितनी हो 500 या उससे ज्यादा, तो उस एरिया में क्या होगा फिर इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जाएगी। ट्राइब के एरिया में 500 से कम हुए तो भी बनाएंगे, सही है ना, और बाकी नॉर्मल लोग हैं दूसरे ट्राइब को छोड़कर, तो उसके लिए कंडीशन क्या, मिनिमम 500 लोग होना चाहिए। चलो आगे अपन पढ़ते हैं। हाँ क्या लिखो, मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे लिख लो, इंदौर भोपाल, मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे इसी योजना के अंतर्गत बने। हाँ तो हाँ वही रहता, इस योजना के अंतर्गत बने। आपने देखे नहीं कभी गांव वगैरह में जाओ तो ऐसा बोर्ड वगैरह लगा रहता है। सबसे पहले किसको कौन सा बना है, कुछ ऐसा कोई डाटा है क्या, सबसे पहले कौन से मंडी के अंतर्गत, क्या सबसे पहला रोड कौन सा बना। अरे ऐसा कुछ नहीं, कौन सा रोड बना, इतनी बड़ा देश इतना बड़ा स्टेट, जहां रिक्वायरमेंट होगी जरूरत होगी वहां बना देंगे, ऐसा कोई प्रिफरेंस वाली बात नहीं है। कंडीशन क्या डाली है ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए, ट्राइब होगा तो ये योजना के अंतर्गत वो आ जाएगा, फिर जैसे भी रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे सरकार वहां काम करेगी, है कि नहीं। अब आप खुद समझते हैं सड़क बनाना छोटा मोटा काम है नहीं, जमीन भी लेना पड़ती है, बहुत सारा काम है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पॉलिटिकल, कोई प्रिफरेंस वाली बात नहीं है। चलो अगला अपन चलते हैं आगे। नहीं वो इससे क्या है, मैं तुमको इसलिए भी बोल रहा हूँ, जिस तुम अभी जितने भी क्वेश्चन पूछे ना ये थोड़े इधर उधर के डायरेक्शन वाले थे, तो आपको ये तो समझ में आया कि हमको किस रूट पे चलना है। जैसे मैंने मना कर दिया ये याद नहीं कर रहे, ऐसे आकांक्षा जी अभी इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया से रिलेटेड, तो मैंने कहा बोला नहीं आप एमपी स्पेशल पे रहो अभी, तो आपको क्या एक डायरेक्शन मिला कि अपने को चलना किधर है। चलो अपन आगे चलते हैं। हाँ एक्सप्रेस वे लिख लिया। अब एक और आता है कि जीडीपी में रोड ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है एमपी में, हाँ ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया नहीं। लिखो सड़क परिवहन का मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान। लिखो सड़क परिवहन का मध्य प्रदेश की, एक मिनट रुक जाओ ना कांक्षा बोलने दो, लिखो सड़क परिवहन का मध्य प्रदेश की जीडीपी क्या हो गया सकल घरेलू उत्पाद ट्रांसपोर्टेशन जीडीपी में योगदान तो कितना है 1%, इसको नोट कर लो बस।
हाँ, एमपी की जीडीपी में ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन का कंट्रीब्यूशन, इंग्लिश में क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन इन द जीडीपी ऑफ एमपी। चलो अपन आगे एक और लिख लो, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सड़क योजना, तो 7 जनवरी 2009 और रोड ट्रांसपोर्टेशन में तो और कुछ बचता तो नहीं है जहां तक है, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं अपन रेल ट्रांसपोर्टेशन पे। चलो आगे नेक्स्ट लिख लो रेल, इसको फिर अपन पेंडिंग रखते हैं, फिर तो पूरा बहुत लंबा काम है इतने सारे बताना करना। लिखो रेल। हाँ, अब एमपी में सबसे पहले रेल कब स्टार्ट हुई थी, रेलवे लाइन कब स्टार्ट हुई, तो लिखो एमपी में सबसे पहले जबलपुर प्रयागराज के बीच 1865 में प्रारंभ की गई थी, 1865 प्रयागराज। अब एमपी में टोटल लेंथ कितनी है रेलवे लाइंस की, टोटल लेंथ 6100 किलोमीटर, ये अप्रोक्सीमेट जानता है 10.4% के आसपास। 1865 रेलवे एमपी में स्टार्ट हुई 1865 में, ईयर याद रखना। दूसरा क्या है, प्रेजेंट में कितनी है 6100, अप्रोक्सीमेट 10.4%। इनको थोड़ा क्या, इन दोनों को डेटे को रिफ्रेश करके जाना एग्जाम में, है ना। हाँ अप्रोक्सीमेट, हाँ पूरी रेल रेलवे नेट लाइन जितनी भी है ना इंडिया की, उसका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आते हैं, हाँ सबसे बड़ा जंक्शन इटारसी, लिखो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, इटारसी। पहले तो अपन सीधे सीधे फैक्ट्स करते हैं, फिर थोड़ा चलेंगे आगे। अब आता है आईएसओ 9001, आईएसओ 9001 प्रमाणित रेल कौन सी है, लिख लो मध्य प्रदेश एवं भारत की सबसे पहली, मध्य प्रदेश एवं भारत बोथ की सबसे पहली आईएसओ 9001 सर्टिफाइड ट्रेन। ध्यान रखना ये इंडिया की भी है और एमपी की भी है, कौन सी, भोपाल एक्सप्रेस, जिसको आईएसओ 9001 का सर्टिफिकेट मिला है, तो एमपी प्लस इंडिया बोथ भोपाल एक्सप्रेस। और आईएसओ 9001 सर्टिफिकेशन काय में दिया जाता है, क्वालिटी में, ये ध्यान रखना क्वालिटी के लिए। अब देखो एमपी का पहला रेलवे स्टेशन, एमपी का पहला रेलवे स्टेशन जिसको आईएसओ 9001 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, हां बोले क्या, बिल्कुल राइट। देखो एमपी का पहला, यहां पर ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, एमपी का सबसे पहला रेलवे स्टेशन जिसको क्या मिला है आईएसओ 9001 सर्टिफिकेशन, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल के रेलवे स्टेशन का नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। दूसरा क्या है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को मिला है, तो जो रेल है भोपाल एक्सप्रेस वो दो एंगल से, इंडिया की भी प्लस एमपी की भी, लेकिन हबीबगंज रेलवे स्टेशन इंडिया का नहीं है, एमपी का सबसे पहला है। भोपाल के रेलवे स्टेशन का नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। लिखो अब आईएसओ 14001 सर्टिफाइड ट्रेन, मध्य प्रदेश की सबसे पहली रेल जिसे आईएसओ 4001 सर्टिफिकेशन दिया गया है, मध्य प्रदेश की, नॉट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश की सबसे पहली ट्रेन जिसे आईएसओ 4001 सर्टिफिकेशन दिया गया है, यह देता है एनवायरमेंट के लिए। यह सर्टिफिकेशन किसके एंगल से मिलता है, एनवायरमेंट के लिए। कौन सी ट्रेन है बताओ, रिवांचल एक्सप्रेस। इसमें डेट से उतना महत्व तो नहीं है, पर असली चीज ये आती है कि आईएसओ का इसको 4001 का सर्टिफिकेशन मिला है। अब अच्छा आता मध्य प्रदेश का सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है,
है नहीं अभी, बनेगा। कौन सा बनेगा? कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला वो प्राइवेट रेलवे स्टेशन होगा, तो यही हबीबगंज, हबीबगंज को लिख लो, मध्य हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल को, नोट हो गया। अब एक और बहुत गजब का फैक्ट आता है, कटनी बीना बिलासपुर, कटनी फिर इधर बीना फिर बिलासपुर, ये जो है कोयला ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि नहीं? रेलवे का जो ये रूट है, कभी आपने वैसे कटनी गए हो, देख ध्यान दिया इस बात पे? मेरा ध्यान गया था काफी पहले जब मैं कटनी में रहता था, कि यार ये कोयले की बहुत सारी गाड़ियां आती जाती है, उसमें से कोयला गिरता भी रहता है, लोग बीनते भी रहते हैं। फिर मैंने बाद में पढ़ने में समझ में आया, 15-16 साल पहले मेरे को कुछ कुछ ध्यान था ऐसा, तो मैंने कटनी में तो ये ऑब्जर्व करा है कि वहां से बहुत सारी जो है ऐसी ट्रेनें गुजरती रहती है मालगाड़ी की, जो क्या ले जाती है कोयला, उसमें सिर्फ कोयला होता है। तो ये रूट जो है कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत फेमस है, लिख लो, कटनी बीना बिलासपुर कोयला परिवहन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, ठीक है। अब एक और काफी महत्वपूर्ण लाइन, आपने ट्रेनों पर देखा होगा पश्चिम मध्य रेलवे, मध्य रेलवे ऐसा कुछ है ना, ये काय का नाम है इनके मंडल के, कितने मंडल है अभी एमपी इंडिया में? 18, उसमें से एक का हेड ऑफिस कहां पर है? एमपी में, लिख लो, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है, पश्चिम मध्य। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? एमपी में, और लिखो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जोन है, सबसे बड़ा रेलवे जोन है। कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे जो जबलपुर में, यह जबलपुर रेलवे जोन यह सबसे बड़ा है। मतलब क्या, इसके अंतर्गत ढेर सारी रेलवे लाइन रेलवे स्टेशन आते हैं। जोन से कहने का मतलब क्या है, ऐसे सागर वगैरह बुंदेलखंड का क्षेत्र, यह पूरा क्या होता है इसके अंतर्गत आता है, सागर टीकमगढ़ यहां वहां जो भी आसपास के एरिया है। तो एरिया वाइज एमपी में सबसे बड़ा जोन, जोन से कहने का मतलब क्या, किसके अंदर ढेर सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइंस इसके नियंत्रण में आती है कि नहीं एमपी में। अरे वो देखो क्या रहता है, जैसे बोल रहे नागदा का क्या स्पेशल है ना, तो देखो कुछ ऐसी लोकेशन के कारण कुछ स्पॉट ऐसे होते हैं जहां बहुत ट्रेनें मिलती है। कभी तुम जैसे जाओ कि आप ये ऑब्जर्व करो कि मुझे इंदौर से बॉम्बे जाना है, तो इंदौर से आपको उतनी ट्रेनें नहीं मिलेगी जितनी कहां से मिल जाएगी, खंडवा से, सही है रूट वाइज है कि नहीं। या और भी आते हैं, कभी एमपी के बाहर जाओ आप, ललितपुर, या चलो एमपी के अंदर ही रहते हैं बीना, कभी आप बीना में रहे नहीं होंगे, मैं वहां रहा हूं कुछ दिन, तो वहां पर आप यदि रेलवे स्टेशन पर 3-4 घंटे बिताओ, खास तौर से रात के 11 से लेके और 2-3 बजे तक ठहरो, तुम इंडिया की टॉप मोस्ट ट्रेनें उस रूट से निकलते हुए देखोगे जो आपने इंदौर में मिलेगी कभी देखने को। हाँ भोपाल से जरूर गुजरती है, वो भोपाल को दिया कनेक्टिविटी, तो क्या बीना भले ही छोटी जगह है लेकिन रेलों की कनेक्टिविटी उसकी लोकेशन के कारण बहुत आइडियल है। तो रतलाम बीना खंडवा यूपी में उधर ललितपुर, ये ऐसे रूट हैं जहां पर बड़ी बड़ी ट्रेनें यहां से होकर ही गुजरती है। मतलब इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है एमपी का, लेकिन इतनी ट्रेनें यहां पर नहीं मिल पाएगी आपको। चलो रेलवे में इतना ही बहुत है, बचाओ एरोप्लेन पे, इसको अपने को खत्म भी करना है, छोटे छोटे अपन फैक्ट्स हैं इनको कर लेते हैं। लिखो मध्य प्रदेश में सबसे पहले वायु सेवा, मध्य प्रदेश में सबसे पहले वायु सेवा 1911 में प्रायोगिक ऐसे ट्रायल प्रारंभ की गई थी, ऐसे ट्रायल, ये ट्रायल थी शुरुआत में इंडिया में जब एरोप्लेन आए सर्विसेज दी तो एमपी का भी नंबर आया। और आजादी के बाद ये लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, 26 जुलाई 1948 से प्रारंभ की गई। तो ये अलग अलग शहरों को जोड़ती थी, इंदौर ग्वालियर इंदौर दिल्ली इंदौर मुंबई ऐसा। बस ये जो 1911 वाला टाइम है, अंग्रेजों के टाइम पे किसी प्राइवेट कंपनी ने कुछ डाक सेवा सामान लाने ले जाने के लिए फ्लाइट ली होगी। यहां से क्या हो गया, कनेक्टिविटी मिली, इंदौर मुंबई फ्लाइट मिलेगी आपको, इंदौर दिल्ली मिलेगी,
इंदौर ग्वालियर मिलेगी, एक प्रकार से सर्विसेज स्टार्ट हो गई। तो ये डेट याद रखना, यहां से एक प्रकार से क्या है, कनेक्टिविटी मिल गई शहरों के बीच में, है कि नहीं। अब आ जाओ अपन अपने एयरपोर्ट्स पे, है ना, जो अपने मेजर है, लिखो मध्य प्रदेश में 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। पहला लिखो इंदौर, कौन सा हवाई अड्डा इंदौर में, उसका नाम बताना है बस, अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये लाइन लिखना मत भूलना, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अहिल्याबाई होलकर, और कंटिन्यूटी में लिखो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इंटरनेशनल लेवल का है। अभी कुछ एक साल पहले यहां से लोग दुबई गए थे जब पहली फ्लाइट स्टार्ट हुई थी। चलो दूसरा भोपाल, कौन सा एरोड्रम है यहां पर, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय लिखो, नाम जरूर याद रखना, हाँ अहिल्याबाई होलकर कहाँ है, राजा भोज कहाँ है। तीसरा लिखो खजुराहो, सिटी का नाम है खजुराहो, यहां पर क्या नाम है, कौन सा है यहां पर, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलो आगे चलते हैं अपन, हाँ लिखो जबलपुर, जबलपुर में कौन सा हवाई अड्डा है, दुमना, लिख लो दुमना, और ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, बस इतना लिखो दुमना हवाई अड्डा, दुमना। हाँ अब लास्ट कौन सा बचा है, ग्वालियर, लिखो ग्वालियर में कौन सा है, लिखो महारानी विजया राजे सिंधिया, नहीं सॉरी राजमाता विजया राजे सिंधिया, राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा, नॉट इंटरनेशनल। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मध्य प्रदेश में 33 हवाई पट्टियां हैं, मध्य प्रदेश में 33 हवाई पट्टियां हैं। अब ये अलग अलग फील्ड की है, मैं 33 हवाई पट्टी क्या कि कभी अर्जेंट में जरूरत पड़े तो वहां पर आना जाना है, बहुत सारी जगह पर है ऐसी, टोटल कितनी है 33। प्राइवेट भी है, जैसे भी मैं आपको बता रहा था नागदा में बिड़लाओं की अपनी है पर्सनल, तो 33 में से एक वो भी है, फिर और बड़ी बड़ी कंपनियों की भी है ना, जैसे प्राइवेट कंपनियां तुम्हारी, ये अपना मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना, दूसरे अलग अलग संस्थाएं इनकी भी है, पर अपने को इसमें से एक बहुत काम की है, क्योंकि ये किसकी है, एयरफोर्स की। तो लिख लो इसमें, लिखो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, मध्य प्रदेश में एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा, एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा कहां पर है, महाराजपुर ग्वालियर। अब एक और लास्ट पॉइंट लिख लो फिर फिनिश ये, लिखो मध्य प्रदेश में शहरों को वायु मार्ग से जोड़ने हेतु, मध्य प्रदेश में शहरों को सिटीज को वायु मार्ग से जोड़ने हेतु 1981 में पवन हंस योजना प्रारंभ की गई थी। पवन हंस, अपने एमपी में ध्यान ना, एयर एम्बुलेंस नहीं है अभी तक, एयर एम्बुलेंस है कि नहीं, यह सुविधा अभी एमपी में नहीं है, तो इसको भी स्टार्ट करना चाहिए।